आज हम आपको सिल्वर डिप के बारे में बताने जा रहे हैं। अब जैसे कि त्योहार आने वाले हैं, अब आने वाले दिनों में जैसे हम अपनी पायल वगैरह या जो भी हमारा चांदी का सामान है, या हमारे पूजा में लक्ष्मी गणेश होते हैं, या जो भी छोटे छोटे बर्तन होते हैं, दिवाली में सब सोचते हैं कि हमारे जो बर्तन हैं वो चमकीले रहें, लेकिन हम उसको कैसे चमकाएं। तो आज ये हमारे पास है मोदी केयर का सिल्वर डिप, जो कि बहुत ही अच्छा काम करता है। तो ये जैसे इसकी सीसी है, और इसमें एक ये ऐसा स्टैंड सा होता है जिसमें हम अपनी चांदी को इसमें डाल सकते हैं। ये मैंने अपनी पायल ली है, जो कि देखिए आप कितनी काली हो गई है। अब हम इसको अपनी पायल को इसमें डालेंगे, और इसको इसको हम थोड़ी देर के लिए इसमें रखेंगे, 2 मिनट के लिए। हमने इसको बंद रख इसमें छोड़ दिया है। अभी आप देखना कि ये किस तरह से अपना रंग चेंज हो जाएगा इसका। अभी बस 2 मिनट के लिए हमको इसमें छोड़ना है, इसको थोड़ा सा हिला लेते हैं। ये आपका जो इसका लिक्विड है, ये आपका बहुत काम आता है। अगर आपका कोई कोई चीज़ बड़ी है चांदी की, तो आप इसको किसी प्लास्टिक के बर्तन में डाल दीजिए, और उसमें साफ करके आप दोबारा से इसको इसमें भर लीजिए। ये आपका तब तक काम आएगा जब तक कि पूरा काला ना हो जाए, तब तक आप इसमें कई बार अपनी चांदी को चमका सकते हैं। हम सुनार के पास जाते हैं, फिर हमको लगता है चांदी कट गई कि कम हो गई, लेकिन इसको आप अपने घर में ही 2 मिनट में अपनी चांदी को ठीक कर सकते हैं। और है भी इजी, इसमें ये स्टैंड सा बना होता है, इसमें रख दीजिए, बस 2 मिनट वेट करनी पड़ेगी बस। और एक बाउल में हमने पानी दिया है, इसमें हमने ये डिज़ोल्व डाला है, ये भी मोदी केयर का है। और इसमें मतलब हमने इसके लिए या तो आप अपने घर में किसी साबुन का झाग ले सकते हैं साफ़ करने के लिए। जब हम इसको इसमें से निकालेंगे, तो एक बार हमको इसको धोना ज़रूरी है। अभी 2 मिनट पूरी नहीं हुई है, इसी तरह आप इसमें अपने लक्ष्मी गणेश होते हैं सबके घरों में, या चांदी के छोटी छोटी प्लेट्स होती हैं, या जो भी आपका चांदी का सामान है, आप इसमें ऐसे ही साफ कर सकते हैं। अब ये देखिए मैं निकालती हूँ इसको, ठीक है, और हमने इसमें इसमें डाल दिया। और जिनकी सेंसिटिव स्किन होती है, तो वो थोड़ा सा ग्लव्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको ऐसे ही दिखा रही हूँ, जैसे अपने हाथों की सेफ्टी के लिए आप डाल सकते हैं। और इस पे हमने डिज़ोल्व डाला है, तो थोड़ा सा आपको रगड़ना है। ये देखिए, बल्कि मैंने इसको पूरा 2 मिनट भी नहीं रखा है। और जैसे अब हम इसको साफ पानी से धो लेना चाहिए, और किसी सूखे कपड़े से पोंछ लो। अब आप देखिए कमाल, ये पायल कैसी है, 2 मिनट पहले ये कैसी थी और अब ये कैसी है, ये देखिए, ये और ये। आपको खुद ही अंतर दिख गया होगा कि ये 2 मिनट में ही कितनी चमकीली हो गई है, बल्कि मैंने 2 मिनट भी पूरा नहीं रखा है। इसी तरह, और इसको 5 मिनट से ज़्यादा नहीं रखना है बिल्कुल भी, 2 मिनट काफ़ी होता है। इसी तरह आप अपने घर के और सामान भी चमका सकते हैं, और अपनी दिवाली और हैप्पी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।